दीपा गुड्डू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से, और आज मैं दिखाती हूँ अपनी कुछ सच्चाई आपको और कुछ अपने पूर्वजों की जो अपने गांव के लिए जो योगदान है वो आपको बताती हूँ। ये पूरी ज़मीन जितनी भी हमारी वो हमने, मेरे ससुर जी ने ये खरीदी थी किसी से, और ख़रीदने के बाद इतना बड़ा दिल उनका कि उन्होंने पंचायत घर के लिए आधी ज़मीन पंचायत घर के लिए दे दी, और ये पंचायत घर हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है, तो उन्होंने ये बहुत पुण्य का काम किया हुआ है। ये पेंटिंग भी खुद हमने करवाई है यहाँ पर। ये और इसकी पूरी यहाँ पे नल भी लगवाया है। ये जो पहले के यहाँ पे दरवाजे लगे थे वो प्लाई के लगे थे, मतलब प्लाई बोल सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि एकदम से गल गए, बिल्कुल ऐसे गल गए, बिल्कुल बहुत ही बुरी दशा हो गई थी। सामान अंदर कुछ भी नहीं रह पा रहा था क्योंकि चूहे घुस जाते थे। बिल्कुल पट एकदम बंद दरवाजे, इतने भी ये गेट वेट लगे हुए हैं क्योंकि ये सड़ गए थे। एक बार यहाँ पे आग लग चुकी थी तो सारा जल चुका था, तो दोबारा ये पूरे दरवाजे वगैरह दोबारा लगवाए हैं। कुछ आग लगने की वजह से ध्वस्त हो चुका था, कुछ दरवाजे गल गुल गए थे तो इस वजह से ख़राब हो गया था। और ऐसा ये रूम है, यहाँ पे अच्छा सा रूम है। ये सारा बेड वेड भी हमने दोबारा मंगवाया है। और मैं अपने क्षेत्र की BDC मेंबर हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने गांव में ये जो टावर लगा हुआ है ये लगवाया है, और उसके बाद हमारे जो ग्रिल निर्माण हो गया और गेट निर्माण हो गया, और जो ये सोलर वाली लाइटें हैं ये लगवाई हैं, और ग्राम सभा गौला में हो गया, मंगेड़ी में हो गया, इन सभी क्षेत्रों में काम करवाया है क्योंकि हमारे पास बजट ज़्यादा नहीं आता, तो उस हिसाब से ही सब जगह हमें कवर करना पड़ता है। जैसे लाइट अपने गांव में लगवाई तो दो चार दूसरे गांव में भिजवा दी और अपना गांव भी कवर करवा दिया। तो हमारा गाँव तो काफ़ी छोटा है, लेकिन और आगे अपने जितना क्षेत्र है मेरा उस क्षेत्र के लिए भी करती रहूँगी। मुझे लगता है मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ जो अपनी जनता को समझ सकती हूँ, तो मैंने आप लोगों से कभी ये बात रखी नहीं थी। और फिलहाल तो मैं अपनी घर गृहस्थी में इतनी बिजी हो गई कि मुझे कभी ये बताने का टाइम नहीं मिला और ना ही मुझे यहाँ पर आने का टाइम मिला। ये फ़ोटोज़ 2 महीने पहले की है, और ये जो पेंटिंग हो रही है ये 3 दिन पहले की है। और इनमें नेम प्लेट डाली हमने कल। वैसे मेरा नाम देवेश्वरी है क्योंकि बचपन में कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो गई थी, नहीं तो मुझे सबके सब दीपा नाम से ही जानते हैं, मेरी फ्रेंड हो कोई भी हो, बस डॉक्यूमेंट्स में, और जनता भी मुझे दीपा नाम से ही जानती। और इसी तरीके से हमने ये लाइटें पूरे गाँव में एक एक दी हुई थी करीब 6 महीने पहले, और सबको दी थी एक एक, और ये धूप से ही चार्ज हो जाती हैं और लाइट से भी हो जाती हैं चार्ज। और क्योंकि बाग बाग ज़्यादा हो रखा था तो जिसके भी सबके हाथ में एक एक टॉर्च रहेंगी तो इंसान देख लेगा कि आगे क्या चीज़ आ रही है ना। तो ऐसे ही हमने और भी बहुत सेवाएं दी हैं गाँव में, कोरोना काल हो या फिर बाद में भी हों, हमारे अपने निजी स्तर से लाइटें लगवाई हैं कि ये किसी के पर्सनल घर के लिए तो नहीं है, ये सिर्फ है कि रास्तों के लिए, क्योंकि आजकल में बाग बाग ज़्यादा हो रखा है तो जहाँ मेन रास्ते हैं वहाँ वहाँ पे लगवाए हैं। और जो ये ग्रिल निर्माण है ये ग्रिल निर्माण करवाया है, इसमें भी दोबारा पेंटिंग करवाई है क्योंकि ये उसकी वजह से थोड़ा ख़राब हो गया था, तो काफ़ी लंबी लाइन है ये भी। और आप लोगों को कैसी लगी ये मेरे जो वीडियोस हैं, व्लॉग हैं, आप लोग कभी कमेंट करके बताते नहीं हो, और मेरे जो शुभचिंतक हैं वो मुझे बताते हैं कि वॉइस थोड़ी कम आती है, वो थोड़ी सी मेरी गले में प्रॉब्लम चल रही है तो उस कारण आती है, और मैं कोशिश करूँगी कि अपनी क्लियर आवाज़ में आप लोगों को वीडियोस बना के दूँ जो कि आपको क्लियर सुनाई दे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना अच्छा सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज गेट का कार्य हुआ संपन्न। आज मैं पौड़ी गढ़वाल के शंकरपुर से ऊपर क्यारकी गांव में हूं, और ये जो आप रोड देख रहे हैं दोस्तों ये नेशनल हाईवे है, और यहां अभी हमारे पेंटर साहब एक एक मिनट ये हमारे सूरज भाई साहब हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं,
और कोटद्वार से आए, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और हम आज ये गेट बनाए हैं बहुत अच्छे शान। एक कुछ गेट पे स्लोगन लिखवाए हैं, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर, कुछ इस तरीके से इसमें लिखवाया है। दोस्तों, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती दीपा राव दीपा सुंदरियाल जी यहाँ की बहुत कर्मठ जुझारू और बिल्कुल अच्छे विचारों की धनी हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आदमी जब खुद करता है ना उस काम को, तब उसको पता लगता है। छींटा कसी तो किसी पे भी कर दो आप, किसी पे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ करके दिखाया है और बहुत सोचती हैं वो अपने इस एरिया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और उनके इस बहुत अच्छे व्यवहार की हैं और ऐसी। और गेट पे जो ये आर्मी मैन फौजी बने हुए हैं, ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी कि यहाँ पे ऐसे बनाना है कि आर्मी के जवान होने चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में कम से कम 15-20 फौजी हैं जो अभी ड्यूटी पे हैं। और ये महिला बनाई हुई है जो जो भी हमारे गांव में आएंगी उनका स्वागत करेंगी इस तरीके से अपनी गांव के गेट पे। ये सब मेरे हस्बैंड ने ही सोचा हुआ था इसके विषय में, हमने तो थोड़े बहुत स्लोगन दिए हैं, बाकी उन्होंने ही। और जब कंप्लीट कार्य हो गया तो उसके बाद गांव के कुछ लड़कियां आई हुई हैं, कुछ भाई बंधु हमारे देवर वगैरह, वो आ करके फ़ोटो वोटो लेने लगे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। जिठानी लोगों को अपना इन्जॉय कर रहे थे, मतलब अच्छा खुश हो गए कि थोड़ा एक नया लुक सा आ गया गांव का। ये भाई साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग करी है, सूरज नाम है इन भाई साहब। और ये हमारे गांव की क्वीन है, हमारे गढ़ो लिम्बल दी के गांवक पछाण बल गांवक बाटो से हुंद। चलो चलो घर में चलो ना, चाय पानी पी के जाना। हमारे गांव की लड़कियां आई है सारी की सारी। हेलो गाइस, मैं मोनिका पंगा जोशी, आप मेरे को जानती होगी, यूट्यूब मेरा चैनल है। नहीं इसको नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना इसको, नहीं 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 नहीं। फिर अब मैं अगली बार क्यों मरवा सकते हैं, वो मामी का मास मरवा सकते हैं, मेरे जेठे इसके मेरी सास मिल लिए, मेरे को बोले तुम आई के मेरे अब मैं कब क्या है, कब नहीं है ना वैसा कुछ है क्या, मुझे सब ये बस है, वहां बस है, कल को जाते बोलो थोड़ा बैठो यार, यहाँ पे मीटिंग है, तो भल्ला कमाया है, जरा बैठ जाओ यार। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, बाय।